हे गाइस, वेलकम टू क्यूरियस। 74th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में मोदी जी ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप किया है जिससे ये तय किया जाएगा कि महिलाओं मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए। महिलाओं के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या फिर किसी भी सोसाइटी से। करेंटली एक पुरुष के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज है 21 साल, जबकि एक महिला के लिए 18 साल। आखिर मैरिज के लिए एक मिनिमम एज कंसिडर क्यों किया जाता है? अगर पहले से ये कंसीडर करने के लिए देश में कानून है तो नया कमिटी बना के ये एज को रिकंसीडर करने की जरूरत क्या है? और मैरिज के लिए जो लीगल एज कंसीडर किया गया है ये पुरुष और महिला के लिए अलग क्यों है, ये वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। 2 जून यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया है जो कि एज ऑफ मदरहुड, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और महिलाओं में न्यूट्रिशन लेवल जैसी मैटर्स के ऊपर निगरानी रखेगा। ये टास्क फोर्स एज ऑफ मैरिज और मदरहुड से हेल्थ, मेडिकल वेलबींग, माँ और बच्चे में न्यूट्रिशन लेवल जैसे डाटा को कोरिलेट करेगा। ये कोरिलेशन ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी जैसे डिफरेंट स्टेज में किया जाएगा। इसके साथ ये टास्क फोर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ, चाइल्ड सेक्स रेशियो जैसे डाटा को एग्जामिन करेगा, जिससे ये तय किया जाएगा कि करेंटली जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज एक महिला के लिए 18 साल रखा गया है उसको 21 साल करना है या नहीं। ये कमिटी को फॉर्मर समता पार्टी की प्रेसिडेंट जया जेटली के साथ नीति आयोग की विनोद पॉल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सेक्रेटेरिएट्स के द्वारा मैनेज किया जाएगा। आखिर मैरिज के लिए एक मिनिमम एज क्यों चूज किया गया है? इंडिया के कानून के मुताबिक चाइल्ड मैरिज और माइनर्स के अगेंस्ट हो रहा अब्यूज को रोकने के लिए एक लीगल एज चूज किया गया है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में कई रिलीजन के लोग रहते हैं तो हर एक रिलीजन की अपनी अपनी रिचुअल्स भी है। हिंदू रिलीजन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 के हिसाब से दुल्हन के लिए 18 साल और दूल्हा के लिए 21 साल। लेकिन चाइल्ड मैरिज को इलीगल नहीं माना जाता है। अगर माइनर अपनी तरफ से मैरिज के लिए मना करता है तो मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। आज पर द इस्लाम, जब कोई लड़की पॉवर्टी अचीव करता है तो उसकी मैरिज किया जा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से मैरिज के लिए लड़का का उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। एडिशनली एक माइनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाएगा। आखिर ये सभी लॉ जो कि एज ऑफ मैरिज से जुड़ा हुआ है ये कैसे और कब से लागू किया गया है? इंडियन पेनल कोड 1860 में ये लागू किया कि 10 से कम उम्र की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एक दंडनीय अपराध है। 1927 में ये एक्ट को अमेंडमेंट करने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि 12 से कम उम्र की लड़की के साथ मैरिज को लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे ये लॉ को काफ़ी लीडर्स अपोज किए। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की ये लॉ हिंदू समाज की अगेंस्ट था। 1929 में द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के हिसाब से मिनिमम एज ऑफ मैरिज एक लड़का के लिए 18 साल और एक लड़की के लिए 16 साल रखा गया। फिर से 1978 में हरिविलास सरदा, जो कि एक जॉस थे और आर्य समाज की एक जाने माने लीडर भी थे, उनकी बदौलत मिनिमम एज ऑफ मैरिज एक लड़का के लिए 21 साल किया गया और एक लड़की के लिए 18 साल, जिसको हम सारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर मिनिमम एज ऑफ मैरिज के लिए एक लॉ बनाया गया है देन लड़का और लड़की के लिए डिफरेंट लीगल एज क्यों चूज किया गया है? अगर देखा जाए तो पुरुष और महिला के लिए जो डिफरेंट लीगल एज चूज किया गया है इसका कानून के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कानून बनाने के टाइम पे कॉस्टम और रिलीजियस प्रैक्टिस को कंसिडर किया जाता है। लॉ कमीशन भी ये बात को लेकर आर्ग्यू किया है और लॉ कमीशन का मानना है कि डिफरेंट लीगल एज कहीं ना कहीं ये स्टेरियोटाइप माइंडसेट लाता है कि पत्नी की उम्र पति से कम होना चाहिए, जबकि वोमेंस राइट एक्टिविस्ट का मानना है कि महिलाएं एक ही उम्र की पुरुष के तुलना में अधिक मैच्योर होते हैं और इसीलिए जल्द से जल्द शादी करने में परमिशन दिया जा सकता है। ये रहा पूरा बैकग्राउंड कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज को लेकर इंडिया में क्या कानून है और ये एज को मेल और फीमेल के लिए अलग क्यों रखा गया है। अगर लॉ पहले से है देन फिर से उसे रिकंसिडर करने का जरूरत क्या है? अश्विनी उपाध्याय, जो कि एडवोकेट हैं और बीजेपी के लीडर भी, उन्होंने रिसेंटली एक PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिल किए हैं जिसमें मेंशन है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइव विद डिग्निटी जैसे राइट्स देता है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज के रिलेटेड ये लॉ
आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की वायोलेशन करता है। इससे पहले मिनिमम एज ऑफ मैरिज को लेकर दो बार PIL डाला जा चुका है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर को एक थर्ड जेंडर की मान्यता देने के बाद और 2019 में सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करने के बाद। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में एक दिन में लगभग 33,000 चाइल्ड मैरिज होता है, जबकि ये हर एक जगह पे बैन है। हमारे इंडिया की बात करें, चाइल्ड मैरिज डाटा से पता चलता है कि 18 साल के नीचे जितना भी मैरिज होता है उनमें से 46% लो इनकम बैकग्राउंड से होते हैं। यूनिसेफ की भी एक डाटा कहता है कि इंडिया में एटलीस्ट 1.5 मिलियंस यानी 15 लाख लड़कियों की मैरिज 18 साल से पहले ही कर दिया जाता है। ये सभी डाटा से एक ही बात पता चलता है कि 18 साल जो कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज है एक लड़की के लिए, उसे चेंज करना चाहिए, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सोच को बढ़ावा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये रहा मिनिमम एज ऑफ मैरिज को लेकर सारी डिटेल्स। आपका ओपिनियन क्या है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज लड़कियों के लिए 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्यूरियस कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।